अभिषेक एक बार आपसे टाटा कंज्यूमर्स पे भी राय जानना चाहेंगे क्योंकि हालांकि टेक्निकली तो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है पूरे एफ में एक्शन है पर बहुत पॉजिटिव खबर भी आई है कंपनी की कि राइट इश्यू के जरिए जो है अब कंपनी फंड्स जुटाएगी कैसे देख रहे हैं आप ये अनाउंसमेंट को क्या ये एक्सपेक्टेड था मार्केट्स में कि कुछ ऐसा कंपनी अनाउंस करने वाली है और अब जो अनाउंसमेंट आई है तो किस तरीके के ट्रिगर्स बन सकते हैं कंपनी के लिए तो कंपनी लार्जली अगर आप देखेंगे तो लास्ट दो तीन क्वार्टर से अच्छा परफॉर्म कर रही है राइट नाउ नंबर्स वगैरह में भी काफी अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं राइट नाउ मैं इसका एक रीजन यह है कि यूके बिजनेस में भी अच्छी रिकवरी देखी जा रही है कंपनी में आई थिंक uh, इसको मार्केट में राइट का तो ऑलरेडी दस दिन पहले जो कंपनी ने ऑलरेडी कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट कर दिया था कि दे बी रेजिंग मनी वाया राइट इश्यू आई थिंक इसका राइट इश्यू का जो पैसा है वो ऑब्वियसली कंपनी किस आई थिंक इनके जो केपेक्स में राइट साइड बट आई एनालिसिस नहीं कर पाया इंपैक्ट ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ इंपैक्ट आएगा बिकॉज छब्बीस शेयर पे एक शेयर है तो लेस देन तीन चार प्रतिशत करीब का डायलूशन होगा और उसमें भी लगता नहीं है कि इतनी बड़ी कुछ होगा राइट नाउ स्ट्रॉन्ग कंपनी रिजल्ट के हिसाब से और नंबर्स के यानी ये जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की और बिजनेस वाइज में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छा है रिजल्ट दो क्वार्टर बहुत अच्छे आए थे उम्मीद की जा रही है कि ये बार भी अच्छा ही परफॉर्म करेंगे बट ये लाइकलीहुड तेरह सौ रुपए के आसपास मेरे को थोड़ा अगर हमारा व्यू ये है कि उस लेवल पे आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए बट बट यही व्यू है कि FMCG अगर एज सेक्टर खेलना है तो इट्स गुड बेट आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से जी हाँ अभिषेक ये कुछ एनालिसिस हमारी टीम ने भी करी है और उनका भी यही कहना है कि यहाँ पे ऑपरचुनिटी बहुत ज्यादा नहीं है नए ट्रेडर्स के लिए और जो राइट इशू से अगर आपको अलॉटमेंट मिलता भी है तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा तो ये स्टॉक को देखते हैं कि 1300 के आसपास ये काउंटर जाता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आप जरूर देखें पर इस बीच हमारे साथ ध्वनि पटेल भी, भी जुड़ चुकी हैं ध्वनि आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि आज कौन से स्टॉक्स पे आपकी नज़र है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सबसे पहले मैं अपडेट बताना चाहूंगी कि कजारिया सिरामिक्स जो हमने कल क्लोजिंग uh, के समय सजेस्ट करा था तो उसका जो फर्स्ट टारगेट हमने सजेस्ट uh, करा था 1480 का वो क्लोजिंग के समय ही हमारा अचीव हो चुका था और uh, ये पोजीशन आप फर्दर 1510 के टारगेट जो हमने रिवाइज करके भी दिए थे उसके लिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं uh, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा आज की जो फ्रेश पिक्स यहाँ पर है तो सबसे पहले मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है एल टी टी एस का एल टी टी एस यहाँ पर फर्दर इसके अंदर जो डेटा बनता है तो ओपन इंटरेस्ट ऑन द पॉजिटिव साइड है फर्दर आपको मोमेंटम ऑन द हायर साइड देखने को मिलेगा टारगेट जो है वो फाइव थ्री फोर जीरो का बनता है और स्टॉप लॉस फाइव जीरो फोर जीरो का लगा के रखना है आपको और कंडीशनली आप इसको फाइव वन फोर जीरो के ऊपर लिखे बाय करेंगे तो आपको मोमेंटम बाइंग एक्शन इसके अंदर कॉन्स्टेंट देखने

ठीक है ध्वनि भी बात कर ही रहे थे कि हमारे एक्सपर्ट्स की कॉल कितनी सुपर हिट रही तो सबसे पहले मुबारक आपको भी कि कजारिया के फर्स्ट टारगेट हिट हो चुके हैं और आज जेफरीज की पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई है जहां पे उन्होंने नतीजों के बाद इस पे टारगेट प्राइस हाइक कर दिया है तो उम्मीद है कि आज भी ये स्टॉक अच्छा प्रदर्शन करे पर चलिए अब नौ बज चुके हैं